हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे जो फैक्टर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर फिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर में पहले हमने देखे थे नेचर ऑफ सब्सट्रेट, देन हम नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखे थे, देन न्यूक्लियोफिलिसिटी के न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिव न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे और एक फैक्टर जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट वो कैसे हमारा SN2 रिएक्शन को वो इफेक्ट करता है। सर ये भी इफेक्ट करता है? हाँ, सब कर रहे हैं, ये भी करेगा। अभी पिछले क्लास में हमने पढ़ के आया हमारे जो पोलर पुट्टी के पोलर आकृति कैसे न्यूक्लियोफाइल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है जनरली पोलर पुटिक सॉल्वेंट में, क्या हो रहा था पोलर पुटिक सॉल्वेंट में, जब न्यूक्लियोफाइल ऐसे गलती से पोलर पुटिक सॉल्वेंट में चला गया, मान लो वाटर में चला गया, वाटर जो मॉलिक्यूल यहां बैठे था, अरे भाई तू तो फंस गया। क्यों क्यों? अब होगा हमारे बीच आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अच्छा, आयन डाइपोल मतलब मेरा न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा। हाँ जी भाई, तो मैंने गलत कर दिया यहाँ आके, तो इससे आप क्या सीखा? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देखो, हमारा जो SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो अल्काइल है दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा तो SN2 रिएक्शन भी घट जाएगा, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैव क्राउडेड पॉजिटिव सेंटर सो दे डू नॉट सॉल्वेंट द एनायन अप्रिसिएबल, हेंस द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन पोलर सॉरी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या सर आपने पोलर प्रोटिक को भूल गए? देखो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैव क्राउडेड पॉजिटिव सेंटर, इसीलिए दे डू नॉट सॉल्वेंट द एनायन को नहीं कर पाते, हेंस SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन दे कैरीड आउट इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो पॉजिटिव सेंटर होता है, फॉर एग्जांपल DMSO, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इनका जो पॉजिटिव सेंटर रहता है, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, वो क्राउडेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, डू नॉट सॉल्वेंट जो अनायन जो आएगा इसको, डू नॉट ये सॉल्वेंट इतना सॉल्वेट नहीं करेगा, मतलब उसको इतना नहीं घेर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा अप्रोटिक सॉल्वेंट घेर लेते थे, ठीक है, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये सारे रह के हमारा पूरा घेर लेते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, इसीलिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। देख यहाँ पर कैसा मैंने अभी देखा है, ये क्या है, ये हमारा DMSO भाई साहब है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आया। देखो यहाँ पे क्या क्या ये सॉल्वेंट कर पाया नहीं, ये क्राउडेड हो गया 2-मिथाइल ग्रुप। देखो ये जो राउंडेड दिया, ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटर है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटर को इन्होंने क्राउडेड कर दिया, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आया जो अनायन आया उसको इन्होंने सॉल्वेंट नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? और एक फैक्टर पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन आ जाते हैं, वो भी वजह है, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाता है, इसके लिए भी वो SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, अप्रोटिक अप्रोटिक नॉट प्रोटिक अप्रोटिक। ठीक है, और देखते हैं लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बोलेगा भाई मेरा भी तो रूल है, मैं अगर जल्दी ना जाऊं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, और अगर नहीं भागूंगा, मान लो मैंने जैसे पहले SN2 रिएक्शन का पहले ही क्लास में मैंने बताया था क्या होता है, जिन्होंने अगर नहीं देखा है जाके देख सकते हो, SN2 रिएक्शन को हम किसके साथ रिलेट किए थे, मान लो कोई गर्लफ्रेंड आपका है, कोई नया और एक सुंदर सा लड़की आ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो भी आप पे मतलब वो आपको पसंद करने लग रही है। ठीक है, तो यार वो क्या करेगी, वो चाहेंगे आपका बॉन्ड टूटने, मतलब कैसे टूटेगा, ठीक है, वो जल्दी आपको मतलब आपको उसका प्यार में पागल कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वही है, अगर मान लो आपका गर्लफ्रेंड जो है ना वो आपको मतलब आपको टूरू लव, ठीक है, टूरू लव कर रहा है, ठीक है, वो इतना जल्दी आपसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता है, आप चाहो 1,000,000, ठीक है, मिस्टेक कर लो, वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती है, तो फिर आप क्या करोगे, ना आप उधर ना आप इधर, मन तो है इसके साथ घर बसाने का, लेकिन पहले वाली ने जा नहीं रहा, ठीक है, तो क्या करोगे उस टाइम, आप मतलब थोड़ा मतलब उसको उसको आपका जिंदगी से निकालने के लिए आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वही होता मान लो कोई लड़की होता नहीं, उसको गुस्सा आ गया, अरे तू मेरे साथ चिट कर, मैं अभी चला जा रहा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जल्दी आप दोनों का नया वाले के साथ आपका बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ अगर जल्दी भाग जाएगा, अगर ये जल्दी नहीं जाएगा यहाँ बॉन्ड जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मॉडरेट वाला आ जाएगा, ठीक है, जाओ ना जाओ, बस एक बार मिस्टेक किया, एक बार पकड़ा गया, वो माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे बार वो माफ नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या है, वो मॉडरेट वाला हो गया, पहला था एक बार में चला गया, सेकंड कैसा है, दूसरे बार में चला गया, लेकिन जो थर्ड वाला वो नहीं ही जा रहा, भाई जितना गलती कर रहा हूं माफ, ठीक है, वो क्या मान लिया आपको, जैसे मानते हैं ना पति परमेश्वर, वो हुआ मान लिया आपको, ठीक है, तो वही बात होगा यहाँ पर, तो वही बात है, लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा, कुछ लिविंग ग्रुप बोलेंगे नहीं हम तुझे छुड़कर नहीं जाएंगे भाई, हल्का ही तुझे छुड़कर हम नहीं जाएंगे, चाहे लिविंग ग्रुप कोई भी आ जाए, निकलो फाइल आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे, उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा, ठीक है, वही बात वो कर रहे हैं, गोल्ड लिविंग ग्रुप, ए गोल्ड लिविंग ग्रुप स्टेबिलाइज ट्रांजिशन स्टेट, देयर बाय इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ए गोल्ड लिविंग ग्रुप ट्रांजिशन स्टेट को भी हमारा स्टेबिलाइज करता है, ठीक है, वीकर बेसिसिटी ऑफ ए ग्रुप द बेटर इज इट्स लिविंग एबिलिटी, क्यों, अगर जो लिविंग ग्रुप है उसका बेसिसिटी मतलब बेसिसिटी क्या होगा, अगर वीक होगा उसका जो कार्बन एंड उस बेस का बॉन्ड, मान लो कार्बन के साथ एक हालोजन लगा है, ठीक है, कार्बन के साथ एक आयोडीन लगा है, ठीक है, आयोडीन हमने क्या अभी देखा है, ये एक वीकर बेस है, ठीक है, तो जब वीकर बेस वो क्या करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन अच्छे से शेयर नहीं करते, जो इसीलिए कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है इन कंपेयर टू CF बॉन्ड, ठीक है, ये एक रीजन है, दूसरा रीजन क्या है, तो CF बॉन्ड करेंगे यहाँ पे 2p 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा, लेकिन यहाँ पे 2p एंड कार्बन आयोडीन का बड़ा हो जाएगा 5p आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, तो इन दोनों का बीच में ओवरलैपिंग इतना अच्छे से नहीं होगा, इनके जैसे 2p 2p जैसे ओवरलैप कर पाएंगे, ठीक है, तो ये आयोडीन का बड़ा साइज होगा, ठीक है, उसका कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, 3p 4p कुछ भी आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब 2p से अगर 3p 4p कुछ भी आ जाए तो उनका थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव ओवरलैपिंग घट जाएगा, ठीक है, जैसे 2p 2p ओवरलैप कर पाएंगे, ऐसे 2p 3p या 2p 4p या 2p 5p ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये सेकेंड रीजन था, पहला रीजन वीक बेस अच्छे से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, इसीलिए जो कार्बन के साथ उनका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, ठीक है, सेकंड केस जब हम लार्जर साइज वाला बेस ले लेते हैं आयोडीन वगैरह, वो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसका इफेक्टिव ओवरलैपिंग इतना अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए वो बॉन्ड भी वीकर होता है, तो अगर बॉन्ड वीकर है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा लिविंग ग्रुप जल्दी से हमारा भाग जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए द वीकर द बेसिसिटी ऑफ ग्रुप द बेटर इज इट्स लिविंग एबिलिटी, the region living ability depends on basicity is because weaker base are stable base, ठीक है, हाँ ये भी एक बात है, जब जब यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ठीक है, जो बेस यहाँ से निकल के जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो स्टेबल होना चाहिए, हमें पता है आयोडीन का स्टेबिलिटी ग्रेटर, आई माइनस का स्टेबिलिटी ग्रेटर देन एफ माइनस, क्योंकि ये बिगर साइज है, अच्छे से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर रह सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है, इसीलिए तो हमारा HI का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा क्यों हुआ था, एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा तब होता है जब वो H+ इजीली दे पाता है, और H+ इजीली तब दे पाता है जब उसका आनायन स्टेबल होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है वीक बेस का आनायन जो होता है, वीक बेस जो आनायन वाला वीक बेस होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, वो ब्रेक होकर स्टेबल है, ठीक है, वो ऐसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंट वो स्टेबल है, तो वो क्यों किसी के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, तो आपको जो मर्जी आप याद रख सकते हो, बस एक बात याद रखो, वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, एक बात हो गया वीकर बेस, इसका एक रीजन है वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाते, इसलिए कार्बन के साथ उनका बॉन्ड वीकर होता है, सेकंड साइज बड़ा अगर हो गया तो उनका इफेक्टिव ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए वीकर बेस होते हैं, मतलब बॉन्ड वीक होता है, थर्ड कंडीशन हमारा होता है वीकर बेस है और मोर स्टेबल, इसीलिए वो क्या है भाई स्टेबल है, तुझे जाना है ना, तुझे उसके साथ बॉन्ड बनाना है ना, ठीक है जा भाई, क्या है मैं अकेले में खुश हूं, ठीक है, आई एम हैप्पीली सिंगल, ठीक है, वो ऐसे बोल के चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई होता है वो मतलब उसको सिंगल रहना पसंद नहीं है, वो थोड़ा जाने के लिए नहीं मैं इतना जल्दी नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही होता है ना सारे, आप लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, पैशन टू रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगल लव स्टोरी बिटवीन न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्या समझा, एसएन टू रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगल लव स्टोरी बिटवीन न्यूक्लियोफाइल
लिविंग ग्रुप एंड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें अल्काइल हैलाइड है जो मेन है, लिविंग ग्रुप और हमारा क्या लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों उसके साथ प्यार में रहना चाहते हैं, उसके साथ प्यार का बंधन में क्या है बांधना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, उसके साथ आज के दौर में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लव स्टोरी है ये। पहले तो वो लिविंग ग्रुप के साथ बहुत अच्छा से रिलेशनशिप में था, लेकिन हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया कहीं से, ठीक है। ट्रायंगल लव स्टोरी ऐसे ही होता है ना, आ गया न्यूक्लियोफाइल कहीं से हमारा अल्काइल का जिंदगी में, ठीक है। वो भी अल्काइल ग्रुप कितना दिन तक हमारा एक ही ग्रुप वही लिविंग ग्रुप के साथ पड़ा रहता, रह रहे के बोर होगा बेचारा, सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं जिंदगी में, कुछ फन लाते हैं, ठीक है। तो वो भी न्यूक्लियोफाइल भी थोड़ा है, थोड़ा क्या थोड़ा ब्यूटीफुल था, इससे थोड़ा देखने में सुंदर था, वो भी थोड़ा मतलब क्या है थोड़ा भाव दे रहा था इसको और उसको, इसको पसंद कर रहा था अल्काइल ग्रुप को, तो वो पीछे से आ गया, इसको इसके साथ बात बढ़ी, ठीक है, थोड़ा बात करना टाइमिंग बढ़ा, इसके साथ थोड़ा घटा, इसके साथ रिश्ता जुड़ना शुरू हुआ, इसके साथ रिश्ता टूटना शुरू हुआ, फिर एंड में क्या हुआ जो होना चाहिए था वही हुआ, फिर दोनों पकड़ा गए, इनके इन दोनों के साथ इन दोनों का बस अच्छे से बॉन्ड हो गया, इसको जिंदगी से निकाल दिया। यही तो होता है ट्राइंगल लव स्टोरी में। तो एस एंड टू रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्राइंगल लव स्टोरी बिटवीन अल्काइल एंड लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें बेचारा लिविंग ग्रुप भी जिंदगी से निकल जाता है, अल्काइल ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल मजे में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। यही था हमारा एस एन टू रिएक्शन। तो हो गया, बिकॉज वीकर बेस डू नॉट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन वेल, वीक बेस डिड नॉट मॉन्डर स्ट्रॉन्गली टू कार्बन एटम एंड इट डिलीव ब्रोकन, ठीक है। ये सब मैंने कर दिया अच्छे से, देख लो। देन आर आई, इसलिए क्या होगा आर आई सबसे ज्यादा होगा, देन आरबीआर, देन आर ए, आरसीएल, देन आर ए, ठीक है। मतलब वीकर बेस जैसे कुछ लड़कियां होते हैं जिसको इंडिपेंडेंट मतलब जिसको सिंगल रहना पसंद होता है, इसको जबरदस्ती में भी तुम रिलेशन में ले आओगे, वो हाँ भाई क्या है तुझे और के भी पसंद है, अरे जाना क्या है मेरा, मैं तो सिंगल हूँ, सिंगल ही मेरा मजे है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एस एन टू रिएक्शन। और बात करते हैं नो रीअरेंजमेंट। देखो एक और एक बात है, एस एन टू रिएक्शन क्या है, इसमें कुछ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट वन स्टेप, कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म मतलब वन स्टेप मैकेनिज्म, इसमें वन स्टेप में ही हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। एलाइलिक में होता है, बाकी कुछ कोई हमारा नहीं होता है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। और इसमें क्या होता है, वेल्डन इन्वर्शन होता है, थोड़ा समराइज कर देते हैं। एस एन टू रिएक्शन ये हमारा न्यूक्लियोफिल एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है। ये वन स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें हमारा इन्वर्टेड कॉन्फिगुरेशन हो जाता है जिसको हम वेल्डन इन्वर्शन बोलते हैं। ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जनरली एलाइलिक में ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, बेंजाइल एलाइल वो भी ज्यादा दिखाते हैं, और बीटा पोजीशन में अगर सीओ ग्रुप रहा मतलब अल्फा कार्बोनाइल वाला अल्काइल हैलाइड है गया, उसका एस एन टू रिएक्शन सबसे फास्टर होता है। यही था हमारा एस एन टू रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे। हाँ हाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन एस एन टू रिएक्शन। एस एन टू रिएक्शन के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, एसिटिक एसिड नहीं सर, एसिटिक एसिड नहीं है, इथेनॉल नहीं है। देखो पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक कैसे पहचानोगे, पोलर मॉलिक्यूल पहचान जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा वो जो पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको पोलर प्रोटिक बोलेंगे, जो पोलर सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसको पोलर अप्रोटिक बोलेंगे। देखो ये है फ्यूरॉन, इसमें हमारा पोलर, ये है हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, NH3 में है, इसमें है इथेनॉल में है एंड एसिटिक एसिड में है, सब में वही थे ना भाई, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो गया, तो पोलर हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सर। अच्छा एंड द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन चाहिए था, ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन आप खुद ही फिलअप कर लेना, वो मैंने नहीं बता रहा हूँ, ये मत सोचना सर कार्बन का तो टेट्रा वैलेंस होता है, आपने एक बॉन्ड करके छोड़ दिया, जो भी कमी रह रहा है हाइड्रोजन आप फिलअप कर देना, ठीक है। देन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, अगर मैं नाम दू 1 2 3 4, तो 1 में ये ब्रोमो है, 3 में हमारा मिथाइल है। हाँ जी सर, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन आप खुद लगा लेना, ठीक है। देन और एक करेंगे तो ब्रोमो ब्रोमीन हमारा यहाँ पर है, अच्छा। देन 2 में ब्रोमो, ठीक है, अगर मैं यहां से नाम दू 1 2 3 पर, 2 में ब्रोमो 3 में मिथाइल, हाँ जी सर, ठीक है। देन 2 में ब्रोमो 2 में मिथाइल, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ यहीं पर ब्रोमीन यहीं पर मिथाइल, तो इनका कहने का मतलब है कहाँ हमारा क्या होगा फास्टर होगा, तो यहां पर फास्टर होगा, हाँ जी सर बिल्कुल होगा, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हमारा फास्टर होगा, देन हमारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, देन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, देन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि हमारा रिएक्शन क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है सर। अभी अभी तो आपने बताया कि आए है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है ना, डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो आपको अगर कुछ भी डाउट है, और मेरा जो SN2 रिएक्शन का स्टार्टिंग वीडियो एक बार जाकर जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है, नहीं लगेगा ये आप केमिस्ट्री SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको लगेगा नहीं ये कि कोई मूवी चल रहा है सर, कोई मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, फिर से सर SN2 रिएक्शन, हाँ बिल्कुल SN2 रिएक्शन, यहाँ पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अरे ढूंढो ना 1 डिग्री कहाँ गया, अरे ये तो 1 डिग्री है, ये तो 2 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और RX को हम KCN के साथ मिसाएंगे, ये RCN होगा, RX को AgCN के साथ मिसाएंगे, RNC होगा, मिलाएंगे, ठीक है, तो वो RNC होगा, समझ में आ गया, ठीक है। देखो जब K प्लस हमारा क्या होता है, ये डिसोसिएट होकर K प्लस प्लस CN माइनस होता है, देन CN माइनस हमारा ये न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं RCN बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन AgCN क्या होगा, RNC होगा, इन केस ऑफ AgCN देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन Ag एंड कार्बन, ठीक है, दिस CN माइनस इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो लोन पे क्योंकि KCN में क्या था, देखो KCN में K प्लस एंड CN माइनस था, लेकिन AgCN में ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि AgCN का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा क्या है लेस है, तो AgCN में हमारा ऐसा सीन नहीं है, यहां पर AgCN का हमारा क्या बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए सो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर क्या होगा जो नाइट्रोजन का, देखो KCN में हमारा K प्लस CN माइनस था, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड था, ब्रेक हो गया, KCN में आयनिक बॉन्ड था, वो ब्रेक मतलब पोटेशियम माइनस कार्बन, वो CN माइनस CN के बीच हमारा आयनिक बॉन्ड था, तो वो ब्रेक हो गया, हमारा क्या हो गया CN माइनस न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो गया, वो अटैक कर गया, हमारा CN फॉर्म हो गया। लेकिन AgCN में जो Ag एंड कार्बन के बीच में का जो बॉन्ड है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वहां पर ऐसे CN माइनस फॉर्म होने का चांसेस ही नहीं है, तो यहाँ पर वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या कौन काम कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल बनके ये हमारा RX को अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा RNC बन जाएगा, समझ में आ गया, तो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, वही K प्लस NO2 ONO माइनस कर देंगे, ये RONO बन जाएगा, लेकिन AgNO2 में क्या होगा, AgNO2 में हमारा RNO2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही सीन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर हमारा अटैक करेगा, ठीक है। जब Ag के साथ हमारा NO2 या Ag के साथ हमारा CN बॉन्ड करता है, तब Ag एंड कार्बन का बैच और Ag और NO2 का बॉन्ड वो कोवेलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है, ठीक है। लेकिन KCN या हमारा KNO2 में ऐसा सीन नहीं। देन कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, कौन सा रिएक्शन में फास्टेस्ट होगा, NaCN NaBr, ठीक है, ये पहले तो SN2 रिएक्शन हो गया सर, यहाँ पे आप तो SN2 जो सारे को मैंने मिला दूंगा, ये तो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ भाई, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है, नहीं सारे तो SN2 की ही बात कर रहे, तो SN2 ही होगा, ठीक है।
ये क्या है, 1 डिग्री है ना, ये SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन के लिए हमें पता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अबे आंसर मत देख लेना पहले, ठीक है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, तो सर पोलर अपने इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मिथेनॉल में भी है, वाटर में भी है। सर एन डाई मिथाइल फॉर्माइड DMF में नहीं है सर, फिर DMF हमारा ऑप्शन होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन NaOH DMSO क्या है? तो ये DMSO क्या है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ये एक SN2 रिएक्शन है, तो यहां पर OH माइनस अटैक करेगा। हाँ जी सर बिल्कुल अटैक करेगा, कहां से? पीछे से अटैक करेगा, ये इन्वर्टेड कॉन्फिगुरेशन हो जाएगा, तो वही चाहिए आ जाएगा, ठीक है। देन समझ में आ गया, क्योंकि प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा ना। हाँ जी सर, इन SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टाइप RBr प्लस Cl माइनस RCl Br माइनस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट? क्या सर क्या क्वेश्चन, मतलब वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है। और अगर मिथाइल ग्रुप ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो ये तो 3 डिग्री हो रहा है भाई, नहीं होगा 3 डिग्री हो रहा है, कहाँ 3 डिग्री हो रहा है। अरे देखो CH2Br, यहाँ भी CH2Br, यहाँ पर भी CH2Br, यहाँ पर भी CH2Br, सेम है। ये थोड़ी सी के साथ बी आर लगा है, नहीं है, लेकिन उसका पीछे जो लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 ग्रुप है, जितना बल्किनेस पड़ेगा यहाँ पर 2 ग्रुप है, यहाँ पर 2 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, मतलब उसको 3 डिग्री लगा। CH2Br को 3 डिग्री, CH2Br को 2 डिग्री, CH2Br को सी मिथाइल, CH2Br को CH2CH3 लगा। तो क्या है, जब बैक साइड अटैक होता है ऐसे पीछे से भाग कर आएगा, ठीक है। ऐसे पीछे से भाग कर आएगा ना, निकलो भाई पीछे से भाग कर आएगा, तो पीछे से अगर उसको क्राउडेड मिलेगा, वो उसको जगह ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके आना पड़ेगा, ठीक है भाई, उठना भाई उठना, ऐसे करके आना पड़ेगा। अगर उसको सीधा मिलेगा कोई नहीं है वहां पर, ऐसे भाग कर आएगा अटैक करेगा, ठीक है। तो वही हो गया, तो हमारा Br- जो बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देन हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनोड टू ए सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल आर प्रैक्टिकली इनोड टू द सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई यही तो बात है, वही तो बात अभी मैंने बोल के गया है, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल क्या होता है, जब जब निकलो, मान लो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, वहां पे कोई नहीं है, प्राइमरी मतलब मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल के गैस पे वहां पर कोई नहीं है, ऐसे मैं मान लो निकलो पर ऐसे वहां पे आ गया, ठीक है, लिक्विड। और सेकंड है, अगर प्राइमरी अगर यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल गैस ग्रुप है, फिर भी मैं भाग के आ जाऊंगा उसको हटाकर, ठीक है। लेकिन इसमें मान लो सेकेंडरी है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, तो मैं भाग के आऊंगा ऐसे ऐसे करके, थोड़ा इनको पुशअप करना भाई, थोड़ा स्पेस देना भाई, थोड़ा स्पेस देना, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो स्लो होगा, लेकिन टर्शियरी में आऊंगा, ठीक है, भागते तो आऊंगा यहां से, तो भागता आऊंगा, लेकिन मिथाइल लगा है यहाँ पर, 3 ग्रुप लगा है भाई, जाने दो ना भाई, और जाने नहीं देंगे, ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन होगा। समझ में आ गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट लिविंग ग्रुप, क्या सर वही बात, बेस्ट लिविंग ग्रुप मतलब वीकर बेस्ट, जो इंडिपेंडेंट मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट गर्ल होता है, ठीक है, वो जल्दी चला जाएंगे आई माइनस। अभी अभी तो हमने पढ़ के आ रहे हो गए, ठीक है, अभी पढ़ के आ रहे हो, इसलिए क्वेश्चन इजी लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप सिर्फ क्वेश्चन ही देख रहे हो, थ्योरी नहीं देखा, तो फिर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। इसी के साथ हमारा जो लंबा सफर चल रहा था SN2 रिएक्शन, उसको खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक बात और बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, SN2 रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, बेचारा बिचारी बा बिचारा जो भी बोलो निकल जाता है, एंड अल्काइल ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया रिलेशन शुरू होता है, मतलब एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं, SN2 रिएक्शन का इस जर्नी को यही खत्म करते हैं, विदाई लेते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे इसका और एक भाई के साथ, SN1 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।